Hallabol, Hallabol. मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लाखों युवा चेहरों पर खुशी नजर देखी जा सकती है। पटवारी परीक्षा में फर्जीवाड़ा को लेके प्रदेश में कई जिलों में युवाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पटवारी भर्ती परीक्षा के बाद होने वाली नियुक्तियों पर रोक लगाने की बात कहते हुए ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह दो, उप समूह चार और पटवारी भर्ती परीक्षा के परीक्षा परिणामों में एक सेंटर के परिणामों पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इस परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां अभी रोक रहा हूं, सेंटर के परिणाम का दोबारा परीक्षण किया जाएगा। बता दें कि ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज के एक सेंटर को इस पूरे मामले में विवादित होना बताया गया है। असल में ग्वालियर एनआरआई सेंटर ही विवादित सेंटर रहा है, जो एक भारतीय जनता पार्टी विधायक का बताया जा रहा है, जहां ग्रुप टू उप समूह चार पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। यह आरोप लगे हैं इसी सेंटर से 10 टॉपर में से 7 टॉपर सामने आए हैं। इतना ही नहीं, पटवारी में चयनित इन टॉपर छात्रों के सिग्नेचर हिंदी में किए गए हैं, राइटिंग भी आपस में मैच हो रही है, यह आरोप भी लगे हैं। इसी सेंटर के अधिकतर छात्र पटवारी परीक्षा में चयनित हुए हैं, इसी सेंटर की भर्ती पर रोक लगा दी गई है, तो यह बड़ी खबर है। बहरहाल छात्रों की बड़ी जीत हुई है, भाजपा इसे कांग्रेस का मुद्दा बता रही थी, लेकिन यह केवल बेरोजगार मेहनती ईमानदार पढ़ने वाले छात्रों का मुद्दा था। जब ये सड़क पर आए तो ऑन द स्पॉट फैसला हो गया और मुख्यमंत्री ने पटवारी की नियुक्तियों पर रोक लगा दी। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।